Good morning, children. Welcome back. So, before starting the topic, next topic, one of you have asked a question about the concept of liberal nationalism. One of you have asked the miss, please tell me the concept of liberal nationalism again. So, children, now I'm telling about the liberal nationalism once again to clear your doubt. You know that liberalism is a Latin word which derived from the Latin word liber, means azadi, means freedom, yani liberty. ये लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है आज़ादी या स्वतंत्रता. So the concept of liberal nationalism when emerged in the Europe in 19th century, the whole European nation started spreading the liberal nationalism among the nations. यानी जब 19th century में फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर जब ये उदारवादी nationalism या राष्ट्रवाद जब फैला यूरोप में, तो यूरोप के कई देशों ने इस उदारवादी विचारधारा को अपनाया. नाउ द वॉट इज लिबरल नेशनलिज्म. नाउ लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता, आपको पता ही है कि नेशनलिज्म लिबरल का मतलब होता है उदारवाद, और नेशनलिज्म का मतलब होता है, यू कैन से दैट, कि राष्ट्रीय भावना, या यू कह सकते हो राष्ट्रीय भावना क्या है, वॉट यू आर फीलिंग फॉर योर नेशन, फॉर योर कंट्री, दैट इज द नेशनल फीलिंग. मैं यू फील प्राउड, प्राइड, यू फील वेरी प्राउड एंड जॉय एंड हैप्पीनेस एंड यू लव एंड प्राइड फॉर योर कंट्री. नाउ लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ. इसका मतलब ये हुआ कि ये उदारवादी राष्ट्रवाद जो है वो जो है लोगों की, यानी व्यक्तिगत आज़ादी की बात करता है, यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी की बात करता है, और कानून के समक्ष सभी की बराबरी की बात करता है. सो दिस इज़ द लिबरल नेशनलिज्म. लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड द इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. यानी ये उदारवादी राष्ट्रवाद जो है वो क्या डिफाइन करता है, इसका मतलब क्या है, कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी की बात करता है, एंड सेकेंड वन इज कि कानून के समक्ष सभी बराबर हों. क्लियर? सो नाउ चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन आर टुडेज लेक्चर, लेट्स रिवाइज द पॉइंट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. Now the first point we have discussed in earlier lecture, that is the age of revolution started in 1830 to up to 1848. Pehla point tha aapka Europe mein krantiyon ka yug jo ki 1830 se leke 1848 tak chala. And the second is that the first age of revolution, yani pratham kranti ka yug 1830 mein jo ki France mein hua. And the third topic we have discussed, Greek War of Independence in 1821, yani Yunan ka Swatantra Sangram, jo ki 1821 mein aarambh hua. We have discussed all these points in our previous lecture. Now children, in today's lecture, we are going to discuss about the romantic imagination and nationalistic feeling in the development of nationalism in Europe, yani Romani kalpana aur rashtri bhavana Europe mein. Kis tarike se romantic imagination, yani how the romanticism helped the nationalistic feeling to spread, to scatter among the other European nation, among the other nation in the 19th century. Kis tarike se jo ye Romani kalpana the, kis tarike se ye Romani vaad jo hai, wo Europe mein rashtrivaad ke phailne mein अहम भूमिका उसने निभाई. एंड हाउ एंड वेयर एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन दिस लेक्चर. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज नेशनलिज्म. इन दिस टॉपिक, इन दिस इस शीर्षक का पहला जो पॉइंट है वो है नेशनलिज्म डेवलप्ड थ्रू कल्चर. कल्चर मींस इंक्लूडेड आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक. मींस कि द रोमांटिसिज्म इन द रोमांटिक पीरियड, इन द रोमांटिसिज्म यानी रोमानीवाद में राष्ट्रवाद का विकास हुआ किसके द्वारा, सांस्कृतिक, संस्कृति के द्वारा. सांस्कृतिक द्वारा जैसे कला है, काव्य है, कहानियां हैं, किस्से हैं और संगीत हैं. फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, फ्रॉम दीज सोर्सेज द नेशनलिज्म, नेशनलिज्म गॉट इट्स रूट इन थ्रू द रोमांटिसिज्म इन द
यूरोप इन 19th सेंचुरी. मैं कहने का मतलब ये है कि इट मीन्स दैट कि चिल्ड्रन नेशनलिज्म एंड नेशनल फीलिंग डिड नॉट डेवलप ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. मीन्स कि आपका जो ये था राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय यानी जगहों के विस्तार से नहीं हुआ था, क्षेत्रीय विस्तार से ही सिर्फ नहीं हुआ था, बट इन इट्स डेवलपमेंट कल्चर प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. और लेकिन इसमें जो है इसके विकास में संस्कृति का एक बहुत ही अहम या मुख्य योगदान रहा है. जैसे कल्चर मीन्स की आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, जैसे आर्ट पोएट्री स्टोरी एंड म्यूजिक और एंड ऑल दीज थिंग्स ये सारी जो रिसोर्सेज थे दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन एज वेल एज इन डेवलपिंग द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म एमंग पीपल. मीन्स की कहने का मतलब ये सारे जो ये आपके स्रोत थे काव्य और किस्से, कहानियाँ, संगीत, ये सारे जो रिसोर्सेज थे ये इस संस्कृति के विकास में इन्होंने मुख्य योगदान रहा है. जैसे कला है, इन्होंने क्या किया था, ये सारे रिसोर्सेज ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और उसको बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया था. यानी इट मीन्स कि these sources helped to spread, to scatter the feelings of nationalism, concept of nationalism in Europe. Now, in order to understand the topic romantic imagination and nationalistic feeling in Romani Vaad or Romani Kalpana ko aur acche se samajhne ke liye, hum sabse pehle ye samjhenge, sabse pehle padhenge ki what is romanticism? Yani Romani Vaad hai kya? What do you mean by romanticism and Romani Vaad se aap kya samajhte hain? To Romani Vaad yani romanticism is a cultural development or you can say that movement to develop the form of nationalistic feeling. Means ki romanticism is a cultural development or you can say that movement to develop the forms of nationalistic movement. Yani iska matlab ye hua ki रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसके द्वारा विकास हुआ किसका, एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का. मीन्स कहने का है इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट विच वॉज ईगर टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स और नेशनल फीलिंग्स. यानि रोमांटिसिज्म एक ऐसा मूवमेंट है, यानी ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो रोमानीवाद क्या था, एक कल्चरल आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो कि खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाह रहा था. विच वॉज ईगर टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्टिक या नेशनल फीलिंग अमंग द पीपल. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कि वॉट वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोमांटिसिज्म इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग इन यूरोप. यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में रोमानीवाद का क्या योगदान रहा. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रोमानीवाद. हमने रोमांटिसिज्म का डेफिनेशन पढ़ा, नहीं रोमानीवाद की परिभाषा को हमने समझ लिया कि वॉट इज रोमानीवाद. अब रोमानीवाद का क्या योगदान था, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इस उदारवादी राष्ट्रवाद को यूरोप में फैलाने का, इसका क्या योगदान रहा, क्या इसका रोल क्या था. तो फर्स्ट रोल जो था आपका was scattered through the romantic artist poets. ये जो artist थे, यानी what they were doing, ये जो romantic artist थे, जो ये रोमानी कलाकार थे, रोमानी कलाकार और जो कवि, यानी romantic artist and poets, they began criticizing reasons and science and they started focusing on emotions एंड मिस्टिकल फीलिंग. यानी जो ये रोमानी कलाकार थे और जो कवि थे, वो आलोचना करना उन्होंने शुरू कर दिया किस पर, एक तर्क वितर्क पर और विज्ञान की महिमाओं पर. यानी जो विज्ञान की जो अचीवमेंट्स थे, जो इसके पॉम्प एंड शो था, जो दिखावा था विज्ञान का, जो इसका महिमा मंडल था और जो तर्क वितर्क था, जो लॉजिक्स था अबाउट साइंस, यानी विज्ञान के जो तर्क वितर्क थे और उसकी जो महिमा की देन थी, उस पर वो क्या कर रहे थे, उनकी आलोचना उन्होंने करना शुरू कर दिया. और वो किस पे ध्यान दे रहे थे, भावनाओं पर और आपके रहस्यमय भावनाओं पर, यानी अंतर्दृष्टि पर, जो आपका इनर साइट है और जो
आपकी फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उन पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उन पे ज़्यादा वो ध्यान दे रहे थे. इट मीन्स कि और ये क्यों कर रहे थे, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू इट्स कैरेक्टर द रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द मैग्निफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इमोशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग. यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो रोमानी कलाकार थे वो आलोचना उन्होंने करना शुरू कर दिया तर्क वितर्क के और विज्ञान पर, और उन्होंने भावनाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे. एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कि उनका अगला उनका एफर्ट क्या था. एंड सेकेंड पॉइंट इज कि देयर एफर्ट was to build a sense of shared collective heritage and culture for the foundation of the nation. यानी उनका क्या प्रयास था, उनका प्रयास था एक राष्ट्र का निर्माण करना जो एक साझा संस्कृति और विरासत पे आधारित हो. यानी देयर एफर्ट वॉज टू बिल्ड अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड कल्चर टू बी द फाउंडेशन ऑफ द नेशन. यानी उनका उनका असली जो उनका क्या एफर्ट था, उनका क्या उनकी कोशिश थी, जो उनका कोशिश ये थी कि एक समान सांस्कृतिक अतीत और एक साझा विरासत, एक साझा विरासत और संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाया जाए. कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी संस्कृति चाह रहे थे जिसमें जो है भावनाओं और राष्ट्रवाद का विचार और प्रसार हो. यानी दे वांटेड टू बिल्ड अ नेशन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कलेक्टिव कल्चर एंड हेरिटेज एंड कल्चर. यानी वो ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे थे जो कि किस पे बेस हो, एक ऐसी साझा संस्कृति पर और विरासत पे. नाउ टू अंडरस्टैंड द मोर अबाउट द रोमांटिसिज्म एंड रोमांटिक एफर्ट्स और रोमांटिक पोएट्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द जर्मन फिलोसफर नेम जोहान गॉटफ्रीड हर्डर. ही वो ये एक जर्मन फिलोसोफर थे. यानी जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर एंड द डेट ऑफ हिज बर्थ इज 1744 टू अप टू 1803. ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. वॉट ही क्लेम्ड दैट ट्रू यानी रियल जर्मन कल्चर लाइज इन द कॉमन पीपल. मीन्स ये जो था, हम इस in order to understand the contribution of romanticism, and if you talk about contribution of romanticism, then one of the German philosopher named Johann Gottfried Herder gave a strong point or view on it. Usne apne jo vichar diye, wo unka vichar kya tha, what he believed, he claimed that true yani real German culture lies in the common people. Yani kehne ka matlab hai ki Johann Gottfried Herder jo ek German darshanik the, unhone ye dava kiya ki ही माने में सच्ची जर्मन संस्कृति जो है वो आम लोगों में नहीं होती है. और जर्मन भाषा में आम लोगों को कहते हैं दास वॉक. यानी आम लोगों की जो परिभाषा है, जो उसका मीनिंग है इन जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन भाषा में, उसको कहते हैं दास वॉक. यानी अब आप, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म दास वॉक. वॉट इज दास वॉक? दास वॉक इज अ जर्मन वर्ड. दास वॉक इज अ जर्मन वर्ड और अ फ्रेज which means the people. It simply refers to the folk or group of people of a society or people of nation. यानी कहने का मतलब है कि दास वॉक जो है वो एक जर्मन शब्द या शब्दावली है. ये एक जर्मन शब्द या शब्दावली है जिसका अर्थ है लोग. यानी लोगों से मतलब जो है वो दास वॉक जनरली उसका मतलब होता है जर्मन भाषा में लोग. यह एक और कैसे लोग, ये एक ऐसे समाज के लोगों के समूह को या एक देश के लोगों के समूह को बताता है. यानी दास वॉक इज अ टर्म, ये एक ऐसा टर्म है विच रेफर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ सोसाइटी एज वेल एज ऑफ अ नेशन. यानी दास वॉक का मतलब है आम लोग जो कि एक सोसाइटी से भी बिलोंग करते हैं और एक देश से भी बिलोंग करते हैं. यानी समाज में रहने वाले लोगों के समूह को भी हम दास वॉक कहते हैं और एक देश में रहने वाले लोगों के समूह को भी दास वॉक कहते हैं. और आपको पता है दास वॉक इज अ डेली न्यूज पेपर ऑफ द जर्मनी. जर्मनी का एक ये आम अखबार भी है जिसका नाम दास वॉक है. और सेकेंड पॉइंट, व्हाट ही ओपिनियन, व्हाट ही व्यूड
और ये जर्मन फिलोसोफर जोहान ने भी, उसने उसका एक और चीज़ मानना था, एक और चीज़ वो मानता था कि द रियल स्पिरिट ऑफ द नेशन, यानी रियल स्पिरिट ऑफ द नेशन, उसको जर्मन में हम कहते हैं वॉल्जिस्ट, उसको जर्मन में हम वॉल्जिस्ट कहते हैं। ये मानता था, ही बिलीव्ड कि द रियल, जोहान बिलीव्ड कि द रियल स्पिरिट ऑफ नेशन दैट इज इन जर्मन लैंग्वेज कॉल्ड वॉल्जिस्ट, व्हाट इट हाईलाइटेड, इट शोन सॉन्ग्स, शोन थ्रू सॉन्ग्स, यानी हाईलाइटेड थ्रू सॉन्ग्स, फोक कल्चर एंड पोएम्स एक्सेट्रा। इट मीन्स कि दैट ही, जोहान जो है वो ये मानता था कि राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है, जिसको जर्मन भाषा में वॉल्जिस्ट कहते हैं, ये जर्मन शब्द है, कि राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है वो वहाँ के संस्कृति में, यानी वहाँ के लोकगीतों में, जनकाव्यों में और लोक नृत्यों से ही प्रकट होती है, लोक नृत्यों से ही दर्शाई जा सकती है। यानी ये सारे कल्चर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू एलेबरेट, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एमंग द पीपल। यानी जो लिटरेचर है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो काव्य है, वो जो है उदारवादी राष्ट्र भावना को और ज्यादा, उससे ज्यादा लोगों के बीच में उसके द्वारा ही दिखाई जा सकती है। ही बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट, वो इस थ्योरी में, वो इस सिद्धांत में बिलीव करता था। नाउ व्हाट इज वॉल्जिस्ट वर्ड मीन, अब नाउ द लेट्स डिस्कस अबाउट द व्हाट इज वॉल्जिस्ट वर्ड मीन, यानी वॉल्जिस्ट शब्द का मतलब क्या है। सो लेट्स चिल्ड्रन लिसन केयरफुली व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। It is also German phrase. It is also a German phrase, means national feeling or spirit, or it means the inner soul or the character of the nation as a whole. Means कहने का मतलब है कि Walgist, on the whole you can say that कि Walgist is a true spirit of nation. Walgist means the true spirit of the nation. इसका मतलब यह है कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा, यानी वॉल्जिस का मतलब है कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा, जिसे जोहान ने कहा था कि जो इसके, यानी जो राष्ट्र की संस्कृति में निहित होती है, जो राष्ट्र की सच्ची आत्मा होती है वो राष्ट्र की संस्कृति में निहित होती है, यानी राष्ट्र के जो कल्चर होता है उसमें ही राष्ट्र की सच्ची आत्मा पाई जाती है। ही बिलीव इन दिस थ्योरी, ही बिलीव इन दिस व्यू, इस पॉइंट को वो बिलीव करता था। नाउ चिल्ड्रन, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ जोहान गॉटफ्रीड, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी हम भाषा का योगदान पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में रोमांटिसिज्म के काल में, यानी रोमानीवाद के पीरियड में, रोमानीवाद के काल में भाषा का क्या योगदान था, कि भाषा की क्या भूमिका थी, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म इन द यूरोप टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ, टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में किस तरीके से भाषा ने योगदान दिया था। Now children, the first point of this topic is language played a very important role in developing the nationalistic feeling. Means ki language played a very important role in developing the nationalistic feeling. It means that ki bhasha, jo bhasha ne ek ahem bhumika nibhai kiske, yani rashtra bhavana ki vikas mein. So second point and to understand the contribution of language in language in rashtravad mein bhasha ka kya yogdan tha, isko samajhne ke liye hum ek example lete hain. We can take the example of Poland. Hum us samay jo hai na 1831 ki ye baat hai ki, let's take the example of Poland. What happened in Poland, Poland mein kya hua, the Poland was occupied by the Russian rule. Poland was occupied by the Russian rule in 1831. And there, the Polish language was overthrown. The Polish language was overthrown by the Russian rule. वहाँ पे क्या हुआ? Poland में क्या हुआ? रूसी शासन ने वहाँ पर जो है वो कब्जा कर लिया 1831 में, और वहाँ पे पोलिश जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे जबरन हटाया गया और उसकी जगह पे रूसी भाषा को जबरन लादा गया, यानी लाया गया वहाँ पर। यानी पोलैंड जो था वहाँ पे, पहले पोलिश लैंग्वेज पोलैंड में बोली जाती है, तो वहाँ पे रूसी शासन जब
वहाँ पर उसने कब्जा किया, तब 1831 में पोलिश भाषा को हटा दिया गया और रूसी भाषा जबरन लाई गई। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राष्ट्रवाद को फैलाने में। ये दिस एग्जाम्पल कैन प्रूव कि लैंग्वेज कैन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्टिक फीलिंग। नाउ व्हाट हैपेंड इन पोलैंड, पोलैंड में जब रूसी शासन जब वहाँ पर आया, उसने कब्जा किया, व्हेन रशियन जो है वो कब्जा उसने किया, व्हेन रशियन एनेक्स द पोलैंड एंड जबरन वहाँ पे रूसी भाषा को लादा गया या लाया गया, तब क्या हुआ? सून अ प्रोटेस्ट रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल स्टार्टेड। जल्दी ही वहाँ पे इस रूसी शासन के जो विरुद्ध एक विद्रोह छिड़ गया, एक प्रोटेस्ट छिड़ गया, एक विद्रोह छिड़ गया, जो जो बाद में उसको क्रश्ड भी कर दिया गया, बट अल्टीमेटली दैट रिवोल्ट वॉज क्रश्ड बाय द रशियन रूल। हालांकि ये एक एग्जाम्पल था वहाँ पे पोलैंड पे कि किस तरीके से लोगों में असंतुष्टि फैल गई, डिससेटिस्फैक्शन फैल गया अगेंस्ट द रशियन रूल, कि जब उसने वहाँ के रहने वाले लोगों के पोलिश भाषा को उसने हटा दिया और रूसी भाषा ले आए, तो क्या हुआ, वहाँ पे लोगों में एक जो है असंतुष्टि फैल गई और वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना यानी विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन ये विरोध बहुत दिन तक नहीं चल पाया और अल्टीमेटली क्रश्ड, यानी जल्द ही विद्रोह रूसी शासन जो है वो दमन हो गया था इन 1831 में। 1831 में शुरू भी हुआ और दमन भी हो गया। लेकिन ये विद्रोह तो जरूर दमन हो गया, रिवोल्ट वॉज क्रश्ड, लेकिन जो इस क्रश के बाद जो है, लेकिन लोगों में, लोगों के दिलों में, लोगों के थॉट्स में, उनके विचार में वो राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी, और इसी का जो परिणाम था, इसी का कॉन्सिक्वेंस था कि मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी दे यूज मीडियम ऑफ लैंग्वेज एज मीडियम एज वेपन फॉर देयर एग्जिस्टेंस टू मेक द नेशन। यानी उन्होंने क्या करने के लगे, जो ये पादरी वर्ग के जो सदस्य थे, उन्होंने भाषा को अपना हथियार बना लिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। एंड दे मेड लैंग्वेज एज द वीपन फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन द नेशन या टू मेक द नेशन मोर पोटेंट। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो पादरी वर्ग थे, जो बिशप्स जो थे, ये लोग चर्च में रहने वाले जो लोग थे, चर्च की जितने डिस्कशन या अफेयर्स या फंक्शंस होते थे, दे ओनली कैरिड इन द लैंग्वेज ऑफ पोलिश, यानी वो इन द लैंग्वेज पोलिश, यानी पोलिश लैंग्वेज में ही सारा कार्य वो फंक्शंस होता था चर्च में। क्लर्गी मैन बिशप दे हैड द फॉर्म ऑफ पोलिश लैंग्वेज, लेकिन जब रूसी शासन ने इस पोलिश लैंग्वेज को जबरन हटा दिया और रूसी भाषा को लेकर आए, तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रशियन रूल। फिर ये मेंबर्स जो थे, इन्होंने क्या किया, उसी भाषा को अपना हथियार बना लिया, एंड दे मेड द लैंग्वेज एज द मीडियम एज अ वेपन टू स्प्रेड द ideas and ideas of the nationalism। यानी उन्होंने इस भाषा को अपना हथियार बना दिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और साथ ही साथ इस राष्ट्रीय भावना को फैलाने के लिए। नाउ इसका रिजल्ट क्या हुआ, वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ दैट रिवोल्ट, इस एक्ट को, मेम्बर्स ऑफ द क्लर्गी एंड बिशप्स, इनके इस तरह के एक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कि प्रिस्ट बिशप सेंट टू जेल एंड साइबेरिया बाय द रशियन रूल। यानी जब इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो रशियन रूल ने क्या करना शुरू कर दिया, कि उनको क्या किया, कि दे सेंट, उन्होंने क्या किया, प्रेस्ट को, बिशप्स को, इन लोगों को उन्होंने जेल भेज दिया और साइबेरिया भेज दिया, जहाँ पे उन्हें किस लिए भेजा, ताकि उनको फॉर पनिशमेंट, किस लिए, नॉट टू यूज रशियन लैंग्वेज एंड नॉट टू स्प्रेड द पोलिश लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब, उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो पादरी एंड बिशप वर्ग थे, इनको रशियन रूल ने जेल भेज दिया और साइबेरिया भेजा गया, वहाँ पर जहाँ पे उनको सजा दी गई, जहाँ पे उनको दंड दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि वो रूसी भाषा को
नहीं मान रहे थे और पोलिश भाषा को ही समर्थन दे रहे थे. तो समर्थन क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो पोलिश लैंग्वेज, दे बिलीव इन पोलिश लैंग्वेज, दे वे स्पीकिंग, तो उनकी लैंग्वेज ही पोलिश थी, उनकी लैंग्वेज थी पोलिश थी, तो वो सारी चीज़ें जो अपने फंक्शंस थे वो पोलिश भाषा में करते थे. तो इसका जो रिजल्ट ये हुआ कि दे गॉट पनिशमेंट फ्रॉम द रशियन रूल और उनको जेल भेज दिया गया. लेकिन जो उदारवादी, जो जो एक राष्ट्र की भावना थी, उन्होंने अपनी इस एक्ट से ये प्रूव कर दिया कि लैंग्वेज प्लेड अ कुड प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग आउट द आइडियाज ऑफ नेशनल फीलिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल. यानी ये उससे इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये लैंग्वेज भाषा भी, अपना भाषा भी उदारवादी राष्ट्रीय भावना को फैलाने में, लोगों तक पहुँचाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, या उसका बहुत अहम योगदान रहता है. सो दिस was also the part of the contribution in the field of nationalism in Europe. यानी ये भी एक part था nationalism Europe में लाने के लिए. So हम कह सकते हैं कि भाषा ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. And you can take the example of Poland we have discussed just now. So children, let's stop here and in our next lecture we will discuss our next point. यानी हम अब यही बंद करते हैं और अपने नए अपने अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के बारे में, दूसरे शीर्षक की चर्चा करेंगे. If you have any doubt, please write in the comment box. So children, take care of yourself and your family and goodbye.